विमल। कमल बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन विमल बहुत आलसी और कामचोर। एक दिन, विमल मैं कल सुबह अपने खेतों के आलू बेचने के लिए शहर जाऊंगा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा, पर तुम मुझे बाजार से कचौरी खिलाना। हाँ हाँ खिला दूंगा, तुम चलो तो। वो दोनों अगली सुबह शहर की ओर चल पड़ते हैं। शाम तक सारे आलू बेचकर जंगल के रास्ते से वापस आते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। विमल देख कितनी तेज रोशनी, चल चलकर देखते हैं। ओहो मुझे तो आलस आ रहा है, पर चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों रोशनी का पीछा करते हुए एक बड़े से बरगद के पेड़ पर पहुँचते हैं। पेड़ में से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी। पेड़ के नीचे एक दरवाजा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचते हैं, दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सा सोना रखा है, ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ भाई ये देख, यहाँ एक दादाजी बैठे हैं। नमस्ते दादाजी। आओ कमल और विमल, कैसे हो बच्चों? दादाजी आपको हमारा नाम कैसे पता? मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ दादाजी मैं अभी लाया। कमल ने दादा को पानी पिलाया और विमल ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। बेटा तुम लोग बहुत अच्छे हो, ये लो मेरे बच्चों, ये पौधे ले लो, तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमें अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम लगाना ही चाहिए। कमल और विमल दोनों पौधों को लेकर चल पड़े। कमल तुमने देखा कि वहाँ कितना सारा धन होते हुए भी उस बूढ़े आदमी ने हमें बस एक पौधा दे दिया। अरे नहीं ऐसा मत सोचो, जो भी उन्होंने दिया वही हमारा इनाम है। नहीं नहीं मैं अभी वापस जाता हूँ और सोना लेकर आता हूँ। विमल वो पौधा वहीं फेंक पेड़ पर वापस चला गया, पर उसे अब वो दोबारा दरवाजा नहीं दिखा। उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, मगर कमल ने जाकर वो पौधा अपने आंगन में लगा दिया। कुछ ही महीनों में उस पौधे में से 100 अलग अलग पौधे निकले। वो पौधा कभी भी बिना फल के नहीं होता और विमल के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था और कमल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ज्यादा के लालच में थोड़ा भी छोड़ना मूर्खता है। स्कूल का पहला दिन। आज मानव के नए स्कूल का पहला दिन है। वो अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले ही दूसरे शहर से इस शहर में रहने के लिए आया है। मानव जैसे ही स्कूल की बस में चढ़ा, तब उसने देखा कि बस की पहली सीट खाली है। वो उस पर बैठने लगता है कि इतने में मोहन नाम का एक लड़का आवाज देता है। तुम वहाँ मत बैठो, तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बैठने दिया? रुको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद शेखर नाम का लड़का बस में चढ़ता है। शेखर पहली सीट पर बैठ जाता है। शेखर एक लड़के को डराते हुए कहता है, क्यों रे कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हो शेखर भाई? देखो तुमने, इसीलिए तुम्हें वहाँ बैठने से रोक रहा था। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, अगर तुम ना होते तो मेरा पहला दिन आखिरी दिन बन जाता। स्कूल खत्म होने के बाद वे घर आते हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा हाथ धोकर कपड़े बदल लो। खाना खाने के बाद उसकी माँ पूछती है, तुम्हारा पहला दिन कैसा गया बेटा? वैसे तो सब अच्छा रहा, हमारे स्कूल में एक लड़का है जो सब कुछ बहुत तंग करता है। तब मानव की माँ उसे एकजुटता के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगर तुम बच्चे एक साथ हो जाओ तो वो किसी भी तरह तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। मैं समझ गया माँ। अगले दिन शेखर जब बस में चढ़ता है तो देखता है कि मानव उसकी सीट पर बैठा है। तू मेरी सीट पर क्या कर रहा है? जानते नहीं ये मेरी सीट है। आज मैं यहाँ बैठूंगा। टूटता है या तुझे मारूं? खबरदार जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो तू मुझे रोकेगा? अभी मजा चुकाता हूँ। तभी सभी लड़के उठकर कहते हैं, नहीं हम रोकते हैं तुझे। ये सब देखकर शेखर डर जाता है और कहता है, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। सभी बच्चे मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। एकता में ही शक्ति होती है, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। टीटू बिल्ली। टीटू बिल्ली को खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह रोज किसी ना किसी जानवर का खाना चोरी कर खुद खा जाती। अरे वाह, चोरी करके खाना खाना मुझे सबसे अधिक पसंद है। एक दिन बिल्ली ने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसी कारण उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा और उससे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे सोने में बहुत परेशानी हो रही थी। आ, आ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान कल से इतना अधिक नहीं खाऊंगी, अभी तो नींद आ ही जानी चाहिए। आ टीटू बिल्ली गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आखिर उसे अंत में नींद आ ही गई। अगले दिन वह सब भूल गई और फिर से बिंगू कुत्ते के घर गई और खाना खाने लगी। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, चलो इसे सफाचट कर देती हूँ, पूरी रसोई साफ कर देती हूँ। टीटू ने बिंगू का सारा खाना खा लिया।
पिंगू कुत्ता उसी समय वहाँ पहुँचा। तुम चोरी कर रही हो, तुमने मेरा खाना चोरी करा, ये गलत बात है टीटू। कितनी बार जंगल के सभी लोग तुम्हें ये बात समझा चुके हैं कि अपना खाना स्वयं ढूंढो, मगर तुम दूसरों के घर में घुस के उनका खाना खा जाती हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिंगू कुत्ता उसके पीछे भागता है, बिल्ली आगे आगे भागती है। इतना ज्यादा खा लिया, अब तो भागा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? टीटू ने भागने की बहुत कोशिश की। वो पूरे जंगल में भागना चाहती थी, पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी और कुत्ते से अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर ये सब नामुमकिन था क्योंकि वो इतना ज्यादा खाना खा चुकी थी कि उसके लिए भागना असंभव था। लगता है आज तो ये मुझे पकड़कर खा ही जाएगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके कई बार मदद मांगने पर भी कोई जानवर उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि कभी ना कभी सभी के घर में घुसकर उसने खाने की चोरी की थी। आज पता लगा तुम्हें, हमेशा चोरी करती हो, अब भागकर बताओ। अंत में बिल्ली ने हार मान ली और कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा टीटू। बस बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं भाग सकती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिंको। मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, सच कहती हूँ, किसी का खाना चोरी नहीं करूंगी, मगर मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ। पिंको उसे माफ कर देता है। पहले भी तुम्हें कई जानवरों ने माफ किया मगर तुम नहीं मानी, मगर मैं बिल्ली खाना जानता हूँ। याद रहे, तुम्हें दोबारा चोरी करती देखूंगा तो तुम्हें बिना पूछे सीधा खा जाऊंगा, वादा रहा? वादा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, वादा वादा वादा। घी वाले की कहानी। एक बार सोनपुर नाम के राज्य में गंगा नाम का व्यक्ति रहा करता था, वह दूध घी का काम करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक बालक घी खरीदने आता है। चाचा मुझे 5 किलो घी दे दो। गंगा उसको 5 किलो घी का डिब्बा देता है। चाचा इसमें तो मक्खी गिरी है। चलो तुम ये डिब्बा मुझे दे दो, तुम्हें मैं दूसरा डिब्बा दे देता हूँ। गंगा उस डिब्बे को अंदर लेकर जाता है और उसमें से मक्खी निकाल कर फेंक देता है और वही डिब्बा बालक को वापस लाकर दे देता है। अब तो ठीक है ना? हाँ चाचा, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से गंगा मिलावट करके और हेरा फेरी करके अपना काम चलाता था। एक दिन राजा के महल से एक सिपाही आता है और गंगा से कहता है, गंगा आज दोपहर तक 40 किलो घी महल में पहुंच जाना चाहिए। इतना सारा घी महल में, कोई दावत है क्या? हाँ, राजा ने आज अपने मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, दोपहर तक घी पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहो। सिपाही के चले जाने के बाद गंगा अपने नौकर को आवाज देता है, जल्दी से काम पर लग जाओ, हमें महल में दोपहर तक 40 किलो घी भेजना है। मालिक, इतना घी बनाने के लिए तो हमारे पास दूध ही नहीं है। ऐसा करो, दूध के अंदर पानी मिला दो। मालिक, अगर राजा को पता चल गया तो हमें दंड देगा। तुम्हें जो कहा है वो करो। नौकर काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद नौकर गंगा से आकर कहता है, मालिक अभी भी पूरा घी नहीं पड़ेगा, अब क्या करूं? तुम जाकर दुकान संभालो, ये मैं देखता हूं। गंगा तेल में वनस्पति तेल मिला देता है। दोपहर तक घी बनकर तैयार हो जाता है। गंगा उस घी को महल में पहुंचा देता है और अपने घर चला जाता है। राजा के यहाँ बड़ी दावत होती है और बाद में सबको मिठाई खाने को दी जाती है। थोड़ी सी मिठाई राजा भी खाता है। अगले दिन राजा और उसके मंत्री बीमार हो जाते हैं। राजा समझ जाता है कि जरूर यह सब खाने के मिलावट की वजह से हो सकता है। राजा हलवाई को बुलवाता है और गुस्से में कहता है, ए मूर्ख, तूने कैसा खाना बनाया है जिससे कि सब बीमार हो गए? राजा जी, मेरे खाने में कोई कमी नहीं थी, मगर मुझे शक है कि घी में मिलावट है। राजा तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें गंगा पर नजर रखने के लिए कहता है। सिपाही गंगा के घर जाते हैं और जब वो उस पर नजर रखते हैं तो पाते हैं कि असलियत क्या है और सब उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसे सजा सुनाता है और जेल में डाल देता है। लालच